दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस ब्लॉग में। आपको इस पूरे फ्लैट का मैं एक वॉक थ्रू कराने वाला हूं और हम देखेंगे कि हॉल में हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें सामने एक टीवी यूनिट दिखाई देता है, जिसके बाजू में लोअर्स का डिज़ाइन दिया हुआ है और पूरा MDF के ऊपर इसमें डीको पेंट हुआ है। डीको पेंट के नीचे हम देखेंगे कि ड्रॉज बने हुए हैं, जिसके अंदर आप मोबाइल्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक सामने आप हॉल के देखेंगे एक बहुत बड़ी विंडो है। विंडो की जस्ट सामने विंडो लगभग जो है वो एक बालकनी के रूप में है, ठीक है। और जस्ट बाजू में हमने एक अलमीरा टाइप से डिज़ाइन किया है, इसको आप हम खोल के देखते हैं। देखिए इसमें 90 डिग्री इंजेस और सॉफ्ट क्लोज का काम है उसमें, और यहाँ पे अपना वर्क फ्रॉम होम भी लैपटॉप से काम किया जा सकता है या स्टडी वगैरह की जा सकती है। बालकनी जो है पूरी कवर्ड है, एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा ग्लास से कवर्ड कर दिया गया है, जिससे धूल मिट्टी वगैरह ना है। और यहीं पे हमने पूरी जगह का यूटिलाइज स्पेस को मैनेज करते हुए फ्रिज भी रेफ्रिजरेटर यहीं पे शिफ्ट किया है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ किचन। किचन जो कि काफ़ी एक गैलरी कह सकते हैं, छोटी जगह थी, काफ़ी ज़्यादा जगह नहीं थी, 5 फिट के करीब चौड़ाई है, उसी में पूरे किचन को डिज़ाइन किया गया है। सिंक का जो नल देखेंगे वो मूवमेंट वाला है, इसको अपने सहूलियत के हिसाब से मूवमेंट किया जा सकता है इसका। हम देखेंगे कि इसमें जो गैस चूल्हा भी है वो इनबिल्ड किया गया है, इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है, और ये जो मिक्सर वगैरह के लिए स्विच बोर्ड भी दिया गया है, ठीक है। यहीं पे डाइनिंग टेबल का एरिया छोटा सा बना है, बहुत सुंदर डाइनिंग एरिया बना दिया गया है। ऊपर स्ट्रिप्स जो हैं वो LED स्ट्रिप्स हैं, बीच में जो है नॉनो बोर्ड के बल्ब भी दे दिए गए हैं। अब हम मैं आपको ले चलता हूँ इसके ठीक जस्ट बाजू में, देखेंगे एक वॉशरूम है और जस्ट बाजू में देखेंगे एक किड्स रूम है, और इसमें स्टोरेज हमने काफ़ी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जस्ट सामने एक पूरा स्टडी टेबल है, बाजू में पूरे साइड में वार्डरोब्स हैं, और नीचे जो है 7x6 का एक बहुत सुंदर बेड डिज़ाइन किया गया है। इसके जस्ट बाजू में खिड़की भी है, लाइट बाथ अटैच है। चूँकि काफ़ी छोटा एरिया था तो इसमें हैंड वॉश और वॉशिंग मशीन भी रखी गई है, जाली जो है जिग जग में है। इसमें जो वॉशिंग मशीन है इसका एरिया लगभग 2 फिट, इस 2 फिट का जो मार्जिन है, ये इतने में मशीन आराम से रखा गई। और जस्ट उसके सामने वॉश एरिया जो है वॉश बेसिन लगाया गया है, वॉश बेसिन का नल भी जो है वो काफ़ी मूवेबल यूज़ हुआ है इसमें। अब एक ग्लास का ही डोर है इसमें, और जस्ट बाजू में मास्टर बेडरूम है। बेडरूम में अभी बेड तो नहीं है, बेड नहीं बनवाया है, लेकिन उसको रेडीमेड लाएंगे। उसके जो जितने भी वार्डरोब्स वगैरह हैं, इसमें प्रेस करने के लिए एक अलग टेबल बना है, जिससे प्रेस भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से या अपने स्टडी वगैरह भी, इसका मल्टीपर्पज यूज़ है, ठीक है। वार्डरोब्स में जो है एक 18 mm का ही यूज़ हुआ है, पूरी लेमिनेट बोर्ड का, प्लाईवुड का, और जो सॉफ्ट क्लोज ऑटो इंजेस हैं वो सभी इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और किचन, किचन की जस्ट बाजू में देखेंगे तो पूरा फिर से हम हॉल में आ गए हैं। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।